इजराइल ने बर्बाद किया ईरानी परमाणु ठिकाना, F-35 विमानों से मिसाइल अड्डे पर गिराए बम। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर अटैक किया है। इस ईरानी ठिकानों में जोरदार विस्फोट हो गया और पूरा कार्यक्रम 2 महीने पीछे चला गया है। इतना ही नहीं, इसराइल के फाइटर जेट ने ईरान मिसाइल बेस पर भी हमला बोला। इसराइल और उसके धूर विरोधी ईरान के बीच साइबर अटैक चरम पर है। ताजा घटनाक्रम में इसराइल ने जोरदार साइबर हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों में 2 विस्फोट करा दिए। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र। यही नहीं, इसराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के परचिन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला और उसे बर्बाद कर दिया। कुवैती अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले सप्ताह हुई। अखबार ने बताया, इसराइल के साइबर हमले से ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। यह पूरा केंद्र जमीन के अंदर बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस इजरायली हमले के बाद अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 महीने पीछे चला गया है। अखबार ने बताया कि पिछले शुक्रवार को इसराइल के F-16 स्टील्थ फाइटर जेट ने परचिन इलाके स्थित एक ईरानी ठिकाने पर धावा बोला और कई बम गिराए थे। माना जाता है कि यह मिसाइल उत्पादन केंद्र था। दरअसल इसराइल का कहना है कि ईरान अपने हथियार और मिसाइलें लगातार उन्नत बना रहा है और वह इसे यहूदियों के विरोधी हिजबुल्ला को सप्लाई कर रहा है। इन दोनों ही हमले की इसराइल ने पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने अप्रैल महीने में इसराइल के पानी के सप्लाई को हैक करने की कोशिश की थी। ईरान के इस हमले को इसराइल के साइबर डिफेंस ने असफल कर दिया था। अगर ईरान अपने इस प्रयास में सफल हो जाता तो पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती, पूरे देश में पानी का संकट भी खड़ा हो जाता। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।